एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस. आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं टॉप 20 इंडियन एक्टर्स हु लुक लाइक पाकिस्तानी एक्टर्स. सो शॉकिंग रिजेम्बलेंस होने वाला है. और ये वीडियो है रिव्यू एट पीके के तरफ से. ये चैनल का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू देम और उनके चैनल पे जाके लाइक भी करना. वीडियो को वापस भी देखना है तो देख सकते हैं और उनके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं. या नाउ लेट्स रिएक्ट टू दिस वीडियो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तानी अदाकारों के हमशक्ल. कहा जाता है कि दुनिया में हर शख्स के 4 हमशक्ल मौजूद होते हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं. टेक्नोलॉजी के इस दौर में शोबिज से जुड़े लोग अब किसी खित्ते की मिल्कियत नहीं होते बल्कि इनको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और पहचानते हैं. इसी सबब इनके हम शक्ल अफराद का आम लोगों के मुकाबले जल्द पता लग जाता है. पाकिस्तानी शोबिज में भी बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनके हम शक्ल दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं और इनकी ये मुमासिलत हैरत अंगेज हद तक है. आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत और इनकी हम शक्ल शख्सियत के बारे में बताएंगे. हमजा अली अब्बासी और रॉबर्ट पैटिनसन. स्मार्ट और यूनानी खुदोखाल के मालिक, खूबसूरत और पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन हमजा अली अब्बासी का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं. इनकी शक्ल हॉलीवुड के मशहूर अदाकार रॉबर्ट पैटिनसन से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखती है. रेसेम्ब्लेंस दिख रहा है लेकिन वो इंडियन एक्टर था ही नहीं. ड्रामा तुम याद आए से अपने कैरियर का आगाज करने वाली अदाकारा सहर अफजल को देखने वाले पहली नजर में ही कतरीना कैफ समझ बैठे मगर फिर गुजरते वक्त ने यह साबित किया कि अदाकारा सहर अफजल सूरत ही में कतरीना कैफ से मुमासिलत नहीं रखती बल्कि अदाकाराना सलाहियतों से भी मालामाल है. अफजल खान और सिल्वेस्टर स्टैलोन. आई एम श्योर कि सिल्वेस्टर स्टैलोन तो पाकिस्तानी टेलीविजन से चलने वाले ड्रामा गेस्ट हाउस के इस डायलॉग से तो सभी वाकिफ होंगे और अफजल खान को पाकिस्तानी जान रैम्बो के नाम से भी याद करते होंगे. फिल्मों और टीवी के मशहूर अदाकार अफजल खान कुदरती तौर पर हॉलीवुड एक्शन हीरो सिल्वेस्टर स्टैलोन के हम शक्ल हैं जिसका इदराक इनको खुद भी है तभी तो ये कहते हैं माय नेम इज जॉन रैम्बो. अयूब खोसा और हंस राज हंस. मासी के मशहूर और खूबसूरत अदाकार अयूब खोसा अपने मुनफरिद हेयर स्टाइल और दाढ़ी के अंदाज के सबब दूर से ही पहचाने जाते हैं और पड़ोसी मुल्क भारत के मशहूर गुलूकार हंस राज हंस ने भी इनके अंदाज को अपना कर अयूब खोसा से मुमासिलत इख्तियार की है. और क्रिस्टन स्टीवर्ट. रंगीन आंखें, गुलाबी होंठ और सफेद रंगत एनी जाफरी मगरबी हुसन से माला माल हैं और इनका ये अंदाज इनको हॉलीवुड अदाकारा क्रिस्टन स्टीवर्ट का इस हद तक हम शक्ल बनाता है कि देखने वाले बहने समझने पर मजबूर हो जाते हैं. सलीम शेख और राहुल भाट. मशहूर अदाकार और फिल्म साज जावेद शेख के भाई सलीम शेख अपने भाई जितनी कामयाबियां तो ना हासिल कर सके मगर इसके बावजूद अदाकारी के जौहर कई फिल्मों और ड्रामों में दिखाने के बायस अपनी मुनफरिद शनाख्त जरूर रखते हैं. अब नई नस्ल के भारतीय अदाकार राहुल भाट की शक्ल और अंदाज सलीम शेख का रंग लिए हुए नजर आती है और ये दोनों शक्ल और अंदाज के हवाले से एक दूसरे से बहुत मुशाबहत रखते हैं. शहरयार मुनव्वर और हैरतिक रोशन. अगरचे शहरयार मुनव्वर ने कभी इस बात का अपने अंदाज से पता नहीं चलने दिया कि वो किसी भी अंदाज से भारतीय मशहूर अदाकार हैरतिक रोशन से तकलीद करते नजर आते हैं मगर देखने वालों का ये मानना है कि इनकी शक्ल और इनके अंदाज इनको हैरतिक रोशन का हम शक्ल बनाते हैं पूरी तरह से नहीं लेकिन है कुछ ऑरलैंडो ब्लूम. देखने वाले पाकिस्तानी अदाकार उस्मान खालिद बट को पाकिस्तानी ऑरलैंडो ब्लूम भी करार देते हैं. चेहरे की मुशाबहत इनको ऑरलैंडो ब्लूम का हम शक्ल बना देती है. माजी में ये दोनों अदाकार एक जैसे अंदाज के सबब एक दूसरे के जुड़वा भी करार दिए जा रहे थे. महवेश हयात और नरगिस फखरी. महवेश हयात ने जब शोबिज में अपने कैरियर का आगाज किया तो भारी भरकम जिसामत के सबब मकबूलियत आम हासिल ना कर पाए मगर इसके बाद सख्त मेहनत के सबब एक जानिब इन्होंने अपने बढ़ते हुए वजन में तेजी से कमी की बल्कि इसके साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी दिलकशी में भी इजाफा किया जिसके सबब देखने वाले इनको मारूफ भारतीय अदाकार नरगिस फखरी की हम शक्ल भी करार देने लगे. शमून अब्बासी और अक्षय कुमार. पाकिस्तानी अदाकार शमून अब्बासी न सिर्फ चेहरे की मुनासिबत से भारतीय एक्शन हीरो अक्षय कुमार के हम शक्ल हैं बल्कि इनका कदोकाट जिस्मानी बनावट भी इनको हूबहू अक्षय कुमार जैसा बनाती है. अरीज फातिमा और कृति सानून. अरीज फातिमा पाकिस्तानी शोबिस में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही हैं और शनाख्त के सफर को तय करती जा रही हैं मगर इनकी अदाकारी के साथ एक और चीज जो इनकी बहुत मददगार साबित हो रही है वो है तेजी से उभरती भारतीय अदाकारा कृति सानून के साथ इनकी हद दर्जा मुशाबहत भी है जो इन दोनों को एक दूसरे का हम शक्ल बनाती है. जवेरिया अब्बासी और सोनाक्षी सिन्हा. जवेरिया अब्बासी मारूफ भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा से हैरत अंगेज हद तक मुशाबहत रखती हैं. इन दोनों अदाकारों की बाज तस्वीरें देखकर इन दोनों में इम्तियाज करना एक दुश्वार अमर बन जाता है.
चौधरी निसार और रोवन सेबेस्टियन एज नोन एज मिस्टर बीन। मारूफ सियासतदान चौधरी निसार की शक्ल हॉलीवुड के मशहूर और मारूफ मजाहिया अदाकार मिस्टर बीन से इस हद तक मिलती है कि लोग इनको पाकिस्तानी मिस्टर बीन करार देने से भी नहीं चौंकते। नीलम मुनीर और सिंडी क्रॉफोर्ड। नीलम मुनीर का नाम पाकिस्तानी शोबिस के लिए किसी तारीख का मोहताज नहीं है और इनको देखने वाले हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सिंडी क्रॉफोर्ड का हमशक्ल करार देते हैं। इन दोनों अदाकाराओं की शक्ल में इस हद तक यकसानियत है कि इन दोनों के होंठों पर मौजूद तिल भी बिल्कुल एक ही जगह पर मौजूद है। मुबशर मलिक और जॉन अब्राहम। मारूफ माहिर मुआशियात और मुसन्निफ मुबशर मलिक जब एक प्रोजेक्ट पर सबा कमर के साथ नजर आए तो ने इनको जॉन अब्राहम समझ लिया और इन्हें मारूफ भारतीय अदाकार जॉन अब्राहम करार दे डाला। इस बात की तर्दीद मुबशर मलिक की जानिब से जारी की गई और बताया गया कि वो जॉन अब्राहम नहीं बल्कि पाकिस्तानी माहिर मुआशियात मुबशर मलिक है। साहिर लोधी और शाहरुख खान। मारूफ अदाकार और मेज़बान साहिर लोधी को लोग भारतीय अदाकार शाहरुख खान का हमशक्ल करार देते हैं और इस बात का एहसास इनको खुद भी है, इसलिए वो दानिश्ता और गैर दानिश्ता ऐसे अंदाज अख्तियार करते हैं जो इनको शाहरुख खान का हमशक्ल बनाते हैं। सरवत गिलानी और कंगना रनावत। घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखें, ये दो बड़ी खसूसियात हैं जो इन अदाकारा सरवत गिलानी और कंगना रनावत को एक दूसरे से मुशाबा साबित करती हैं और दोनों अदाकारों को हमशक्ल करार देती हैं। सोनिया हुसैन और प्रियंका चोपड़ा। अदाकारा सोनिया हुसैन की खूबसूरती और दिलकशी इनको मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा से किसी भी तरह कम साबित नहीं करती और देखने वाले सोनिया हुसैन को देखकर प्रियंका चोपड़ा का हमशक्ल करार देते हैं। माया अली और नोहित सरूसी। पाकिस्तानी अदाकारा माया अली जो अपनी मलाहत और खूबसूरती के सबब लोगों में बहुत पसंद की जाती हैं, इनकी शक्ल पड़ोसी मुल्क भारत की अदाकारा नोहित सरूसी से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखती है। अगरचे नोहित ने इन दिनों अपना वजन बढ़ा लिया है और माया अली अपनी दिलकश सरापे के बायस ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, मगर इन दोनों की शक्ल में हद दर्जा मुशाबहत वाज़ह तौर पर देखी जा सकती है। सनम बलोच और अनुष्का शर्मा। सनम बलोच और अनुष्का शर्मा की बास तस्वीरें देखकर इन दोनों अदाकाराओं की हद दर्जा मुशाबहत का अंदाजा होता है। एक जैसे चेहरे के खदो खाल, यकसा मुस्कुराहट और अंदाज इन दोनों अदाकाराओं को एक दूसरे का मुशाबा बना देता है। बिलाल अशरफ और बिलाल अशरफ की और सिद्धार्थ बल्होत्रा की मुशाबहत इनके जिस्म की एक जैसी बनावट और दिल में उतर जाने वाली यकसा मुस्कुराहट एक दूसरे का हम शक्ल बना डालती है। या अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड या कुछ बहुत ही शॉकिंग सिमिलैरिटीज थे और कुछ उतने हद तक मैं एग्री नहीं करता, बट या थोड़ा रिजेम्बलेंस तो था ही ऑलमोस्ट हर फोटोज में एंड बहुत ही परफेक्टली फोटोज को चूज भी किया है कि दोनों एक ही एंगल में देख रहे हैं। वो जॉन अब्राहम का जो हम शक्ल जो लगा वो बहुत सिमिलर, इनफैक्ट यस वो डिम्पल की वजह से और ज़्यादा ये लगा। आरंट यू एक्साइटेड टू सी योर हमशक्ल? वेल एक पाकिस्तानी न्यूज़ पर्सन, उसका नाम क्या है, नाम मैं भी भूल गई हूँ, लेकिन जब राज ने बियर्ड शेव किया था पूरा तभी हम लोगों को आप लोगों ने बताया था। तो ठीक है, मैं किसी का हमशक्ल हूँ बेसिकली। ठीक है, और भी दो कितना बोला था, कितने हमशक्ल होते हैं लोग, चार बोला था, इन्होंने चार कहा, मैंने सात भी सुना है, सो और भी होंगे डेफिनेटली। यस, बियर्ड के साथ मैं किसी और की तरह दिखता होगा। वेल यस, लड़कों के केस में वो एक ये होता है कि बियर्ड और मस्टैश की वजह से इट बिकम्स स्लाइटली इजियर टू लुक अलाइक। सेम शेप रख दिया तो विराट कोहली के कितने सारे हम शक्ल दिखाई देता है, लाइक मल्टीपल मैंने ऑलरेडी देखा हुआ। आई डोंट थिंक चार या सात या दस भी होंगे, उससे भी ज्यादा, क्योंकि इवन पाकिस्तानी टीम में भी कुछ लोग को कहा जाता है कि वो विराट कोहली के जैसा दिखता है। इंडिया में भी हो या पाकिस्तान में भी बहुत सारे विराट कोहली के हजार लुक अलाइक्स हैं, बिकॉज या अगेन वो जो बियर्ड और हाँ फेस तो उसी में चला जाता है ना, फिर इट बिकम्स रियली इजी। और एक और चीज़ है कि विराट कोहली को कॉपी भी बहुत जन करता है स्टाइल वाइज, तो उसने जो स्टाइल किया वो सब जन कॉपी कर लिया, तो फिर ऑलमोस्ट डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द यंग। इसे वैसे इतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है विराट कोहली। कैसे पसंद होगा, मेरा फेवरेट टीम भी नहीं है ये। लेकिन मुझे पसंद है विराट कोहली।
इसलिए मैं पूरा एग्जाम्पल उसी के ऊपर लिख लिया, फिर मुझे याद आया कि इसे पसंद नहीं है और ये वीडियो में विराट कोहली था भी नहीं, इससे अच्छा रिएक्शन क्या हो सकता है। इसमें जो 20 एक्टर्स थे और 20 हमशक्ल थे उसके बारे में बात करने की जगह पे, या एक एक चीज़ मैंने अनुष्का के बारे में यू आर नॉट वेरी कन्विंस्ड, या बट थिंग इज मैं फर्स्ट इसमें अनुष्का का फेस ही नहीं पहचान पाई, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि फर्स्ट पिक्चर में वो कौन सी है। मे बी आई डोंट नो, वो पिक्चर काफ़ी पुराना था, पुराना है तो मैं उसको ही नहीं पहचान पाई। अनुष्का खुद ही बहुत चेंज हो चुकी है एक्चुअली, या सो इट वॉज जस्ट डिफिकल्ट फॉर मी, तो आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन मुझे इसलिए वो सिमिलर लग भी गए। आप लोग को दिखाई दे रहा है हम लोग से बेटर रिव्यू करने वाले कोई नहीं है, हर वीडियो पे बेस्ट रिएक्शन अपना ही होता है, और मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि हमारे रिएक्शंस अच्छे होते हैं, बट जेन्युइन होते हैं हम लोग अपने कंफ्यूज्ड और वियर्ड अनरिलेटेड जो रिएक्शंस होती है वो भी आपको बता देते हैं। और ऋतिक रोशन और वो तो, वो उसामा से, मतलब वो जिंदगी गुलजार है, मैं उसामा का कैरेक्टर था, और अभी हम लोग वही सीरियल देख भी रहे हैं, तो मुझे उसको फर्स्ट एपिसोड में देखकर ही बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी लगा था, मतलब मुझे ओल्ड ऋतिक रोशन से ज्यादा सिमिलर लग रहा था। अब ऋतिक रोशन भी बहुत चेंज हो गया है, ही हैज बिकम स्लाइटली ओल्ड, मतलब दैट इज नॉट अ बैड थिंग, बट अब वो इतना यंग फ्रेश, मतलब ये कैसे उसामा इतना इनोसेंट लगता है ऐसा नहीं है, तो बट यस सिमिलैरिटी डेफिनेटली है, एस्पेशली नाक में। ओके सो दैट्स इट आई गेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, और या मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है, तेरे कोई ये लुक लाइक्स अभी तक मिले नहीं? नहीं मुझे कोई नहीं मिला, लेट्स होप कि इसके भी लुक लाइक्स मिलता है, और मेरा तो एक मिल ही चुका है, तो मतलब मैं किसी का लुक लाइक हूँ, और 3 ढूंढने होंगे तुझे तभी जाके शांति मिलेगी। दैट्स दिस वीडियो, आप लोग ने इतना देर तक देखा भी क्यों, आप लोग पछता रहे रहेंगे, मतलब टाइम वेस्ट ही हो गया पूरी तरह से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।